हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉरनर्स प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आई एम नीरज कुमार कैथल। टुडे इज 13 जून 2023। लेट्स बिगिन टुडेज नर्सिंग एमसीक्यू सेशन फॉर अपकमिंग एम्स नॉर्सेट एग्जाम। आर फर्स्ट क्वेश्चन इज, नर्स इज टू एडमिनिस्टर सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन to the newly admitted patient immediately afterwards the patient may experiencing. आप as a nurse किसी patient को sublingual रूट से nitroglycerin medicine दे रहे हैं, इस medicine को administer करने के बाद patient में कौन सी finding देखने को मिल सकती है? Option A, thrombic headache or dizziness. ऑप्शन बी, नर्वसनेस और पैरानेस्थीशिया। ऑप्शन सी, ड्राउजीनेस और ब्लर्ड विजन। ऑप्शन डी, टिनिटस और डिप्लोपिया। नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन एक वैसो डायलेटर ग्रुप की मेडिसिन है और इसे जब भी क्लाइंट को एंजाइना पेक्टोरिस जैसी कंडीशन होती है, चेस्ट पेन होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन को हम जनरली सबलिंगुअल रूट से देते हैं, यानी कि क्लाइंट में जीभ के नीचे इसे रखते हैं, वहां से ये एब्जॉर्ब होकर सर्कुलेशन में जाती है और फिर ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, जिसके बाद ब्लड तक प्रॉपर ब्लड ब्लड सप्लाई सॉरी हार्ट तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई पहुँच पाती है। ये इसका पूरा एक्शन है। इस ड्रग को देने के बाद हम क्लाइंट के अंदर हेडेक और डिजीनेस जैसी फाइंडिंग देखते हैं, यानी क्लाइंट इस मेडिसिन को लेने के बाद आपसे कह सकता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं, यानी कि डिजीनेस हो रहा है, या फिर उसके सर में दर्द हो रहा है, बिकॉज इट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट। सो ऑप्शन ए इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, All of the following are characteristics of cohort study except. इनमें से cohort study का characteristic कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। Except वाला question है। Option A, reserved for testing preciously formulated hypothesis. ये precisely form की गई hypothesis की check के लिए reserve process है। Option B, सुटेबल फॉर स्टडी ऑफ रेयर डिजीज, ये रेयर डिजीजेस की स्टडी के लिए सुटेबल है। ऑप्शन सी, कैन यील्ड इंफॉर्मेशन अबाउट मोर देन वन आउटकम, ये एक से ज़्यादा आउटकम्स पर इंफॉर्मेशन दे सकता है। ऑप्शन डी, इन्वॉल्व लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट, इसमें कई सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स कोहार्ट स्टडी में नहीं है? ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, कोहार्ट स्टडी इज नॉट फॉर रेयर डिजीजेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिफैम्सिन इज यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ, इनमें से किस डिजीज के प्रोफाइलैक्सिस हेतु रिफैम्सिन ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है? गोनोरिया, मलेरिया, लेप्रोसी या फिर मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है प्रिकॉशन डोज, आप इसे कह सकते हैं एक तरह से। क्लाइंट में अभी डिजीज हुआ नहीं है, लेकिन इस क्लाइंट को डिजीज डेवलप हो सकता है, ऐसी संभावना है, तो हम उस संभावना को ख़त्म करने के लिए रिफैम्सिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी ऐसे डिजीज से सफरिंग व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आ गया जो कि एक से दूसरे में फैलता है, कंटेजियस है, तो इस व्यक्ति में ये डिजीज हो ना जाए, उससे पहले ही हम उसे ये मेडिसिन दे देते हैं, तो ये चीज प्रोफाइलैक्सिस ड्रग के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर ऑप्शन सी, लेप्रोसी को हम सही मानेंगे। रिफैम्सिन जो है एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, यानी बैक्टीरिया को किल करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और लेप्रोसी का जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नाम का बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट ये इफेक्टिव होती है।
इसके अलावा रिफैम्सिन का इस्तेमाल टीबी के अंदर भी हम करते हैं। इट इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेशेंट इज एडमिटेड फॉर अ ब्रोंकोस्कोपी दिस मॉर्निंग, विच क्वेश्चन इज इसेंशियल फॉर द नर्स टू आस्क द पेशेंट। किसी पेशेंट में आप ब्रोंकोस्कोपी करने जा रहे हैं, ये पेशेंट आज ही हॉस्पिटल में आया है, तो आप इसे क्या क्वेश्चन पूछना सबसे जरूरी समझेंगे? ऑप्शन ए, व्हेन डिड यू लास्ट एट, आपने आखिरी बार खाना कब खाया था? ऑप्शन बी, डिड यू टेक लैक्सेटिव एज ऑर्डर्ड, क्या आपने लैक्सेटिव्स जैसा लिखा गया था उसके अनुसार लिए थे? ऑप्शन सी, व्हाट डज द डॉक्टर टोल्ड यू अबाउट योर प्रोसीजर, आपको आप में जो ये ब्रोंकोस्कोपी का प्रोसीजर होने वाला है इसके बारे में डॉक्टर ने क्या बताया है आपको? ऑप्शन डी, हैव यू हैड कॉन्शियस सिडेटिव्स बिफोर, क्या आपने कॉन्शियस सिडेशन पहले लिए हैं? ब्रोंकोस्कोपी बेसिकली हमारे लंग्स में, या फिर यूं कहें कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का विजुअलाइजेशन होता है ड्यू टू द हेल्प ऑफ ब्रोंकोस्कोप। इस प्रोसेस के अंदर हम क्लाइंट में एक ट्यूब लाइक डिवाइस को इंसर्ट करते हैं जिसके आगे एक लाइट और कैमरा लगा होता है, और जब भी हम क्लाइंट में इस प्रोसीजर को करते हैं तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन इससे होना चाहिए कि आपने आखिरी बार खाना कब खाया था, आपने लास्ट मील या फ्लूइड वाटर कब इंटेक किया था। ये क्वेश्चन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि जब क्लाइंट में ब्रोंकोस्कोपी के लिए आप ब्रोंकोस्कोप को इंसर्ट करेंगे, उस समय क्लाइंट के अंदर अपर एयरवे में या फिर जीआई ट्रैक्ट में इरिटेशन होगी, और इसके कारण क्लाइंट को नौजिया वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो सकती है, और इस समय अगर कंटेंट ऊपर की तरफ आता है तो क्लाइंट में एस्पायरेशन की रिस्क बढ़ जाती है। तो क्लाइंट में ब्रोंकोस्कोपी प्रोसेस होने से पहले कम से कम 8 घंटे से पहले हम उसे कुछ भी खाने या पीने से मना कर देते हैं ताकि रिस्क ऑफ एस्पायरेशन को कम किया जा सके। तो यहाँ पर आपने आखिरी बार किस समय खाना खाया था या आखिरी बार कब पानी पिया था, इस बारे में जानना सबसे जरूरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एचआईवी इंफेक्शन। इनमें से कौन सी ड्रग एचआईवी इंफेक्शन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाने वाली मोस्ट यूजफुल ड्रग है? कोट्राइमोक्साजोल, एमेंटेडीन, एसाइक्लोवीर, ज्यूडोव्यूडीन। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ज्यूडोव्यूडीन इज अ रेट्रो एंटी रेट्रोवायरल ग्रुप ऑफ ड्रग दैट इज यूज टू ट्रीट एचआईवी इंफेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इन्फॉर्म्स अ ग्रेजुएट नर्स ऑन पोस्टपार्टम यूनिट दैट द ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन वुड नो लॉन्गर बीन डिटेक्टेड इन द क्लाइंट्स ब्लड एट। आपको ये बताना है कि पोस्टपार्टम पीरियड में कितने समय बाद, यानी डिलीवरी के कितने समय बाद, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो है ब्लड में नहीं पाया जाता। ऑप्शंस आर 1 वीक, 2 डे, 4 वीक, 1 आवर। प्रेगनेंसी की शुरुआत होने से लेकर डिलीवरी होने तक लगातार प्लेसेंटा द्वारा एससीजी हार्मोन का प्रोडक्शन किया जाता है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है, लेकिन डिलीवरी होने के बाद, डिलीवरी के 1 हफ्ते बाद एससीजी का प्रोडक्शन बिल्कुल शून्य हो जाता है, यानी एससीजी को हम 1 सप्ताह बाद ब्लड में डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मसल रिलैक्सेंट, इनमें से मसल्स को रिलैक्स करने के लिए कौन सी ड्रग इस्तेमाल की जाती है? थियोपेंटोन, केटामीन, एपोंटोल या फिर पैंक्रोमियम ब्रोमाइड? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पैंक्रोनियम ब्रोमाइड. पैंक्रोनियम ब्रोमाइड इज द मसल रिलैक्सेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम मल्टीपल ट्रॉमा इज स्टार्टेड ऑन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी, व्हाट शुड द नर्स डिटरमाइन टू बी मेजर गोल ऑफ दिस थेरेपी? अगर किसी पेशेंट में मल्टीपल ट्रॉमा हुआ था, कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसे कई जगह चोट लगी है, इस एक्सीडेंट के बाद उसमें टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी शुरू की गई, इस पेशेंट में इस थेरेपी का सबसे बड़ा गोल क्या है, क्यों इस थेरेपी को इस पेशेंट में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए, प्रिवेंट अ नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस इनटू द क्लाइंट, क्लाइंट में नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस को करेक्ट करने के लिए, रोकने के लिए. ऑप्शन बी, मेंटेन अ हाई यूरिन आउटपुट, प्रोवाइड एडिक्वेट हाइड्रेशन, एंश्योर क्लाइंट रिसीविंग नीडेड ट्रेंस मिनरल्स. क्लाइंट को सभी मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में मिल जाएं, ऐसा टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी से हो सकता है, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज नहीं है. क्लाइंट को हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के लिए और भी मेथड्स हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इज नॉट द थिंग. क्लाइंट के हाई यूरिन आउटपुट को टीपीएन द्वारा मेंटेन नहीं किया जा सकता प्रॉपर, और भी कई मेथड्स हैं इसे मैनेज करने के लिए. फाइनली ऑप्शन ए हमारे पास बचता है, जो कि है नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस को मेंटेन करना. देखिए, अगर कोई पेशेंट जल गया है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा बर्न हुआ है, या फिर उसे बहुत ज़्यादा टिश्यू इंजरी हुई है, जैसा कि यहाँ मल्टीपल ट्रॉमा बताया गया है, या बहुत हाई फीवर है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, या फिर मसल्स वेस्टिंग डिजीज कोई हो रखी है, तो उस सिचुएशन में हमारी बॉडी के द्वारा, क्लाइंट की बॉडी के द्वारा जितना प्रोटीन इंटेक किया जा रहा है, उससे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये चीज़ नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस के रूप में जानी जाती है. एक बार फिर से समझिएगा, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस वह कंडीशन है जिसमें हमारा शरीर प्रोटीन जितनी मात्रा में इंजेस्ट किया जा रहा है, उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में डाइजेस्ट करने लगता है, उपयोग करने लगता है, जिससे हमारे शरीर में नाइट्रोजन की कमी होने लगती है. प्रोटीन के बारे में आप जानते हैं, प्रोटीन का जो निर्माण है वो एमिनो एसिड से होता है, और एमिनो एसिड्स में नाइट्रोजन पाई जाती है. तो अगर हम प्रोटीन ज़्यादा उपयोग करेंगे तो नाइट्रोजन की मात्रा हमारे शरीर में कम होने लगेगी, और अगर आप इतनी मात्रा में प्रोटीन का इंटेक नहीं करेंगे तो इससे आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा. तो क्लाइंट में प्रोटीन की कमी ना हो जाए, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी उपयोगी है. प्रोटीन अगर शरीर में इस समय जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स का फॉर्मेशन हो पाएगा, क्लाइंट की हीलिंग अच्छी होगी, क्लाइंट जल्दी ठीक हो जाएगा. तो जितने भी मल्टीपल ट्रॉमा वाले पेशेंट्स होते हैं, उनमें हम ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन देते हैं, ताकि उनके मसल्स जल्दी मजबूत हो सकें, बन सकें, और नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस भी इससे मेंटेन हो सके. होपफुली अब आप इस चीज को नहीं भूलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फार्मेकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ, इनमें से फार्मेकोडायनेमिक शब्द का क्या मीनिंग है, ये आपको सेलेक्ट करना है. एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, what the drug does to the body, what the body does to the drug, what the body and drug do to each other. Pharmacodynamics में किस चीज की स्टडी की जाती है, ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होती है इसकी, या ड्रग का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है,
या फिर बॉडी और ड्रग दोनों का एक दूसरे पर क्या प्रभाव होता है? इम्पॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आपके लिए। दो चीजें होती हैं, एक होता है फार्माकोकाइनेटिक्स और एक होता है फार्माकोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। आप जब कोई भी मेडिसिन खाते हैं या अपने पेशेंट को खिलाते हैं तो सबसे पहले उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, फिर ये ड्रग बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में पहुंचती है और पूरे शरीर में सभी सेल टिश्यूज तक पहुंचती है, तो इसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर इसका मेटाबॉलिज्म होता है और फिर इसका एक्सक्रीशन होता है। तो सबसे पहले होगा एब्जॉर्प्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और फिर एक्सक्रीशन। तो ड्रग का शरीर के अंदर जाना और उसका मेटाबॉलाइज होके वापस शरीर से बाहर निकालना, ये पूरी जो स्टडी है वो मेडिकल साइंस की, फार्मेकोलॉजी की, जिस पर्टिकुलर ब्रांच में की जाती है उसे हम फार्मेकोकाइनेटिक्स के नाम से जानते हैं। अब ये फार्मेकोडायनेमिक्स क्या है इसे समझिएगा। हमारे शरीर में ड्रग का क्या प्रभाव हो रहा है ये चीज फार्मेकोडायनेमिक्स के नाम से जानी जाती है। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डाल रही है ये चीज फार्माकोडायनेमिक्स के नाम से जानी जाएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट ऑप्शंस, वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय, सबसे पहले वैक्सीनेशन किसके द्वारा परफॉर्म किया गया था? द राइट आंसर इज बाय एडवर्ड जेनर। फर्स्ट वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन। और अगर पूछ लिया जाए कि ये किस डिजीज के अगेंस्ट दिया गया था तो आप बता सकते हैं एडवर्ड जेनर के द्वारा स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट ये वैक्सीन बनाया गया, वैक्सीनेशन परफॉर्म किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइटरी सोडियम रेस्ट्रिक्शन टू अ हाइपर सेंसिटिव हाइपरटेंसिव पेशेंट इज, अगर किसी क्लाइंट को हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसे डाइट में मैक्सिमम कितना सोडियम लेना चाहिए? नो ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। यस, आप बिल्कुल सही हैं। अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर वाला व्यक्ति है, तो आप उसे 2 ग्राम डेली या फिर 3 से 6 ग्राम पर डे तक टेबल साल्ट रेस्ट्रिक्शन पर रख सकते हैं। ये अमाउंट है, इससे ज़्यादा आप उसे अलाउ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंटी कॉलिनर्जिक एजेंट और ड्रग दैट इज स्पेशली यूज इन मोशन सिकनेस, अगर किसी व्यक्ति को मोशन सिकनेस है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग इस्तेमाल किया जाएगा? एट्रोपीन, आइप्राट्रोपियम, थायोसिन, होमेटोप्राइन। सबसे पहले हम बात करेंगे मोशन सिकनेस होता क्या है। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। इसे थोड़ा इस तरह से समझ लेते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए ये चीज़ याद हो जाए, आप इसे भूलेंगे नहीं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें ट्रैवलिंग के दौरान कार या बस में ट्रैवल करते समय बहुत ज़्यादा नौजिया वॉमिटिंग होने लगती है। एक्चुअल में उनके ईयर के अंदर ट्रैवलिंग के दौरान मूवमेंट्स होते हैं जिससे उन्हें नौजिया वॉमिटिंग जैसी कंडीशन डेवलप होती है, ये चीज मोशन सिकनेस कहलाती है।
ज्यादातर ये चीज आपको छोटे बच्चे और फीमेल के अंदर देखने को मिलती है। जब वो बस या फिर कार से ट्रेवल करते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा नौजिया और वॉमिटिंग जैसी फीलिंग डेवलप होने लगती है। इसे मोशन सिकनेस का नाम दिया जाता है। और मोशन सिकनेस के ट्रीटमेंट के लिए हम हायोसिन ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। हायोसिन ड्रग इज यूज टू ट्रीट मोशन सिकनेस एंड इट इज अ एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स आइडेंटिफाई बिफोर शेड्यूलिंग अ क्लाइंट फॉर एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैंक्रियटोग्राफी। किसी पेशेंट में एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैंक्रियटोग्राफी यानी कि ईआरसीपी प्रोसीजर से पहले हमें किस चीज का असेसमेंट करना जरूरी है? यूरिन आउटपुट का, बिलिरुबिन लेवल का, ब्लड प्रेशर का या फिर सीरम ग्लूकोज का? ईआरसीपी यानी कि एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी प्रोसीजर में जो कैन्यूला है उसे पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट के अंदर एंडोस्कोप द्वारा इंसर्ट किया जाता है। अब अगर क्लाइंट का बिलिरुबिन लेवल 3 से 5 mg/dL के बीच में है तो हम इस प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रोसीजर के दौरान जब कैन्यूला को कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट में इंसर्ट किया जाएगा तो डक्ट में इस इंसर्शन के कारण ट्रॉमा होगा और वहां एडिमा हो सकती है और एडिमा के कारण बाइल का जो फ्लो है वो रुक जाएगा और क्लाइंट की कंडीशन और खराब हो सकती है। इसलिए बाइल फ्लो में कहीं रुकावट ना आए, इस वजह से बिलिरुबिन लेवल यदि 3 to 5 mg/dL है तो हम इस प्रोसेस को नहीं परफॉर्म कर सकते। तो सिंपली कहें तो ईआरसीपी प्रोसीजर हम करने से पहले बिलिरुबिन का लेवल चेक करेंगे। बिलिरुबिन का लेवल यदि 3 to 5 के बीच में है तब तो ठीक है, अदरवाइज इससे ज़्यादा है तो हम ये प्रोसीजर नहीं परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड बी गिवन फर्स्ट इन अ पेशेंट ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। अगर किसी क्लाइंट को अचानक हार्ट अटैक आ जाए, MI आ जाए, तो सबसे पहले आपको कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए? स्टैटिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस्प्रिन या ACE इनहिबिटर्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एस्प्रिन। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड यानी एस्प्रिन MI के पेशेंट को सबसे पहले एडमिनिस्टर करनी चाहिए। जब भी किसी क्लाइंट को एस्प्रिन ड्रग दी जाती है तो ये बॉडी में प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को रोक देती है, यानी कि प्लेटलेट्स को एक दूसरे के साथ चिपकने नहीं देती और क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देती। यहाँ पर MI के केस में, हार्ट अटैक के केस में, हार्ट तक प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं पहुँच पा रहा जिसकी वजह से हार्ट की सेल्स डेड होने लगती हैं। अब इसका जो कारण हो सकता है वो क्लॉट भी हो सकता है, तो फर्दर उस एरिया में क्लॉट और ज़्यादा ना बने, सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इस चीज़ से प्रिवेंशन हेतु जैसे ही MI अटैक आता है हम तुरंत क्लाइंट को एस्प्रिन देना प्रीफर करते हैं ताकि क्लॉटिंग मैकेनिज्म रुक सके और क्लाइंट में फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना डेवलप हो। स्टैटिन ग्रुप की जो मेडिसिन हैं उसे हम लिपिड लोवरिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। एथोरवेस्टेटिन इसके एग्जाम्पल हैं जो कि बॉडी में लिपिड लेवल को कम करने में मदद करती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और ACE इनहिबिटर ग्रुप की मेडिसिन ब्लड प्रेशर के मेंटेनेंस में काम में ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नर्स इज टीचिंग एन एथलेटिक टीनएजर अबाउट न्यूट्रिएंट्स,
that provide quickest source of energy. Which food selected from the menu indicates to the nurse that the adolescent understands the teaching. आप एज अ नर्स किसी खिलाड़ी को जो कि टीन एज में है न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता रहे हैं जो कि एनर्जी के सोर्स के रूप में होते हैं. अब आपने उसे फूड का एक मेन्यू दिया और इन चारों ऑप्शंस में से उसके द्वारा किस ऑप्शन का सिलेक्शन ये बताता है कि आपने उसे जो टीचिंग दी है वो सक्सेसफुल रही. सिंपली आपको ये बताना है कि इस खिलाड़ी ने इन चारों में से कौन सा फूड सब्सटेंस यदि चुना तो उसे सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी. ऑप्शंस आर ग्लास ऑफ मिल्क, स्लाइस ऑफ ब्रेड, चॉकलेट कैंडी बार, ग्लास ऑफ ऑरेंज. ऑप्शन वन यहाँ पर सही आंसर नहीं है क्योंकि मिल्क के अंदर फैट और प्रोटीन मौजूद होते हैं और फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करने के लिए काफ़ी समय चाहिए होता है तो इससे हमें लेट एनर्जी मिलेगी. तो ये ऑप्शन भी यहाँ सही नहीं है. इसके अलावा मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर पाई जाती है जो कि एक डाइसैकेराइड है यानी कि सिंपल शुगर नहीं है और डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में यानी सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी हमें एनर्जी मिलेगी और ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो इससे तुरंत खिलाड़ी को एनर्जी नहीं मिल सकती. ऑप्शन टू के अंदर स्लाइस ऑफ ब्रेड लिखा गया है. ब्रेड का एक स्लाइस या टुकड़ा का लिखा गया है, एक पीस लिखा गया है. इसके अंदर भी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सिंपल शुगर की फॉर्म में नहीं होते इसलिए इससे भी हमें तुरंत एनर्जी नहीं मिल पाएगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन थ्री में दिए गए चॉकलेट कैंडी बार की. अगर हम चॉकलेट्स की बात करते हैं तो इनके अंदर फैट होता है जो कि हमारा वजन बढ़ाते हैं और दूसरी बात इसके अंदर जो ग्लूकोज या शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑरेंज जूस की तुलना में ज़्यादा नहीं है, सिंपल नहीं है तो यहाँ पर इससे जो एनर्जी मिलेगी वो कहीं ना कहीं ऑरेंज जूस से मिलने वाली एनर्जी से कम होगी तो हम इसे भी प्रीफर आंसर नहीं चूज करेंगे. चॉकलेट्स के अंदर शुगर तो होती है, सिंपल शुगर नहीं होती और सॉरी सिंपल शुगर कम मात्रा में होती है और फैट भी इसके अंदर होता है जिसे डाइजेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है और ये हमारा वजन भी बढ़ाते हैं तो हमें अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो हम तुरंत ऑरेंज जूस का कंजप्शन करेंगे, ऑरेंज जूस पियेंगे और खिलाड़ी द्वारा यदि ऑरेंज जूस को सेलेक्ट किया जाता है तो हमारी टीचिंग सक्सेसफुल हुई है. इसे पीने के बाद तुरंत एनर्जी मिलेगी. जो ऑरेंज जूस होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सिंपल शुगर्स मौजूद होते हैं और जैसे ही ये हमारे बॉडी के अंदर पहुँचते हैं ये एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाते हैं तो हमें तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. आपने ग्लूकोज ड्रिंक्स पी होंगी, उनके अंदर भी सिंपल शुगर्स होते हैं जिन्हें आप पानी में मिलाकर तुरंत पीते हैं और आपको तुरंत एनर्जी मिलना लग जाती है. तो दिस इज जस्ट लाइक अ सिंपल शुगर दैट गो इनसाइड एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हील एंड फ्लेयर इज विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. किस प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर व्हील और फ्लेयर देखने को मिलते हैं. The right answer is type 1 hypersensitivity reaction के अंदर wheel and flare देखने को मिलते हैं. Basically wheel and flare इसकी जो है stages होती हैं. Stage 1 को हम wheel कहते हैं और स्टेज सेकंड को
फ्लेयर कहते हैं। तो याद रखिएगा, व्हील एंड फ्लेयर टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी की स्टेजेस हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्रग क्लासिफाइड अंडर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक एजेंट्स इंक्लूडिंग ऑल एक्सेप्ट, इनमें से आपको उस ड्रग का नाम बताना है जो कि ना तो नार्कोटिक ड्रग है और ना ही साइकोट्रॉपिक एजेंट है। यहाँ पर एक्सेप्ट वर्ड पर गौर करिएगा। ऑप्शंस आर एफिड्रीन, कोकीन, हेरोइन, हाशिश। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए एफिड्रीन। कोकीन, हेरोइन, हाशिश, ये तीनों ही नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक एजेंट्स के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग्स हैं, जबकि एफिड्रीन नहीं है। एफिड्रीन क्या काम करती है, इसे भी चाहे तो आप नोट कर सकते हैं या समझ सकते हैं। मान लीजिए ऑपरेशन से पहले आपने किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया था। एनेस्थीसिया की इफेक्ट की वजह से पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है बहुत ज़्यादा कम होने लग जाए, लो ब्लड प्रेशर जैसी कंडीशन होने लग जाए, तो वहाँ पर ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए एफिड्रिन दिया जाता है। बेसिकली जो आपका ये एफिड्रिन ड्रग है, ये एक सीएनएस स्टिम्युलेंट ड्रग है। सीएनएस स्टिम्युलेंट ड्रग है, ये सीएनएस को स्टिम्युलेट करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और ये मोस्टली एनेस्थीसिया के दौरान बीपी का कम होना अगर पाया जाता है तो वहां इसे इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर जो वर्ड आप देख रहे हैं साइकोट्रॉपिक एजेंट, ये ऐसी ड्रग्स या मेडिसिंस होती हैं जो कि क्लाइंट के मूड, परसेप्शन, बिहेवियर आदि को बदलने में इस्तेमाल की जाती है। जितने भी साइकाइट्रिक पेशेंट्स होते हैं उनमें विशेष सिम्टम्स होने पर हम इन सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके उनके मूड, बिहेवियर, परसेप्शन आदि को स्टेबलाइज करते हैं। वही सब्सटेंस, ये सभी सब्सटेंस साइकोट्रॉपिक एजेंट्स के रूप में जाने जाते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, साइकोट्रॉपिक एजेंट या साइकोट्रॉपिक ड्रग वह सब्सटेंस हैं जो कि मानसिक रोगियों में उनके मूड, बिहेवियर, परसेप्शन आदि को बदलने में इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसका इस्तेमाल हम ट्रीटमेंट पर्पस में मेनली करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द नर्स इज रिव्यूइंग अ चार्ट ऑफ अ चाइल्ड विथ कोआर्क्टेशन ऑफ एरोटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड द नर्स एंटिसिपेट। किसी बच्चे में कोआर्क्टेशन ऑफ एरोटा कंडीशन है, आप इस बच्चे का चार्ट देख रहे हैं। इस चार्ट को देखने के बाद नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सी फाइंडिंग इस बच्चे में देखने को मिलेगी? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सेरिब्रल हाइपरटेंशन, हाइपोक्सीमिया, फीमोरल आर्टरी हाइपरटेंशन। सबसे पहले बात करेंगे कि कोआर्कटेशन ऑफ एरोटा होता क्या है। अगर हमारी जो एरोटा है, मेन ब्लड वेसल है, उसमें किसी जगह पर स्टिनोसिस हो जाए, यानी कि वो किसी जगह से नैरो हो जाए, तो इससे जो ब्लड वहाँ से गुजरने वाला है वो थोड़ा कम तेजी से गुजर पाएगा, कम मात्रा में गुजर पाएगा, जिसकी वजह से इस आर्टरी में, एरोटा में प्रेशर बढ़ने लगेगा, और इसकी वजह से जो दूसरी दूर की तरफ वाली जो आर्टरीज हैं वहां पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। जो कोआर्क्टेशन ऑफ एरोटा वाली कंडीशन है, इसमें जो स्टिनोसिस कंडीशन है वो थोरेसिक एरोटा के अंदर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से सिस्टमिक रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, और सिस्टमिक रेसिस्टेंस बढ़ने के कारण जो प्रॉक्सिमल साइट ऑफ कोआर्क्टेशन है वहां पर प्रेशर बढ़ने लगता है, और इसकी वजह से जो सर की आर्टरीज हैं, सेरिब्रल आर्टरीज हैं, वहां पर हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है।
सिंपल चीज को सिंपली इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी जैसे कि क्लाइंट का चेस्ट एरिया है, थोरेसिक एरिया है, वहां पर जो अरोटा है, बड़ी ब्लड वेसल है, पाइपलाइन है, वो किसी जगह से पिचक गई है, सिकुड़ गई है, और अब पूरे फ्लो से ब्लड यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा है। तो पूरे फ्लो से ब्लड आगे नहीं जाने के कारण यहाँ पर प्रेशर बढ़ता है, और इसका प्रभाव जो दूर स्थित छोटी आर्टरीज हैं उनमें ब्लड का प्रेशर भी बढ़ने लगता है। तो यही चीज यहाँ पूछी गई थी। कोआर्टेशन ऑफ अरोटा होने पर सेरिब्रल आर्टरीज के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि सेरिब्रल हाइपरटेंशन हो जाएगा। ये फाइंडिंग इस बच्चे में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइकोट्रॉपिक मेडिकेशंस दैट ब्लॉक द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर मे रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट्स। आपको उस साइकोट्रॉपिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट का नाम बताना है जो कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने के बाद देखने को मिलता है। ड्राई माउथ, सेक्सुअल डिसफंक्शन, नॉजिया, प्रियापिज्म। ऑप्शन ए इज एब्सोल्यूटली करेक्ट, द साइड इफेक्ट इज ड्राई माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स थ्रू द किडनी इज। किसी ड्रग का यूरिन के थ्रू या किडनी के थ्रू बाहर निकलना किस प्रोसेस पर निर्भर करता है? ऑप्शंस आर पैसिव ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन पे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पे, एक्टिव ट्यूब्यूलर सिक्रीशन पर, या फिर ये सभी। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, पैसिव ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ये सभी किसी ड्रग के एक्सक्रीशन को करवाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन रीजन फॉर अंडर 5 मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी इन इंडिया। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बीमारी और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? मॉर्बिडिटी का मतलब होता है बीमारी यानी कि डिजीज, और मॉर्टिलिटी का मतलब होता है डेथ यानी मृत्यु। तो 5 साल तक के बच्चों में मृत्यु और बीमारी का सबसे बड़ा रीजन, मेन रीजन कौन सा है? माल न्यूट्रिशन, डायरियल डिजीज, एस्पाइक्सिया, ल्यूकीमिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डायरियल डिजीजेस। डायरियल डिजीज के कारण बच्चे सबसे ज्यादा बीमार होते हैं और उनकी डेथ होती है इंडिया में। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण डायरियल डिजीजेस को माना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइट ऑफ एक्शन फॉर एंटी एमेटिक्स। हम जितनी भी एंटी एमेटिक ड्रग्स लेते हैं, वॉमिटिंग को रोकने के लिए जो दवाएं लेते हैं, वो किस जगह पर जाकर अपना एक्शन दिखाती हैं? बेसल गैंग्लिया पर, स्पाइनल कॉर्ड पर, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन पर, या फिर सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स पर। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारे ब्रेन में जो CTZ एरिया होता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है, उस जगह पर ये एंटी एमेटिक ड्रग्स जाकर अपना इफेक्ट दिखाती हैं, जिसकी वजह से अगर हमें नौजिया या वॉमिटिंग अगर हो रहा होता है तो वो स्टॉप हो जाता है। सो ऑलवेज रिमेम्बर कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, CTZ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What is the difference in temperature between oral cavity and rectum in the patient at the same time? अगर आप किसी patient में एक ही समय पर oral area से और rectum area से temperature note करते हैं, तो इन temperature reading में कितना फर्क आएगा ये आपको बताना। Options are 0.5 degree Fahrenheit, 1 degree Fahrenheit, 2 degree Fahrenheit, 3 degree Fahrenheit. यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसको इस तरह से समझिएगा, जैसे हम पहले लिखते हैं एक्सिलरी टेम्परेचर, ओरल टेम्परेचर, एनाल या रेक्टम एरिया से लिया गया टेम्परेचर। हमारा मान लीजिए आपने ओरल रूट से टेम्परेचर लिया और वो आया आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, मान लीजिए ओरल टेम्परेचर ये रीडिंग आती है, तो अब इसी समय जब आप क्लाइंट के एक्सिलरी एरिया से टेम्परेचर लेंगे तो जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसी समय अगर आप रेक्टम एरिया से टेम्परेचर लेते हैं तो ये आएगा 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहने का मतलब ये है कि आपका जो ओरल टेम्परेचर है वो एक्सिलरी एरिया से लिए गए टेम्परेचर से एक डिग्री ज़्यादा है, एक डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा है, और रेक्टम एरिया से लिए गए टेम्परेचर की तुलना में एक डिग्री फ़ारेनहाइट कम है। ये चीज़ यहाँ पर आपको नोट करके रखनी है। एक्सिला एरिया से लिया गया टेम्परेचर सबसे कम है, उससे एक डिग्री ज़्यादा ओरल टेम्परेचर है और उससे एक डिग्री ज़्यादा रेक्टम एरिया का टेम्परेचर है। अगर आपको यही क्वेश्चन डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ लिया जाता तो आप यहाँ पर इसे 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड कर सकते थे, यानी कि ओरल एरिया से लिया गया टेम्परेचर एक्सिलरी एरिया की तुलना में आधा डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है और रेक्टम एरिया से आधा डिग्री सेंटीग्रेड कम है। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों चीज़ों का मेजरिंग यूनिट का स्पेशली ध्यान रखते हुए अपना आंसर पुट करें, अदरवाइज गलती हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज सीन विथ, इनमें से किस ड्रग को देने के बाद किडनीज डैमेज हो सकती हैं, नेफ्रॉन्स डैमेज हो सकते हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है? डॉक्सीसाइक्लिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, एरिथ्रोमाइसिन, रिफैम्पिसिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एमिनोग्लाइकोसाइड्स। एमिनोग्लाइकोसाइड एक एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिसिन है जो कि नेफ्रॉन्स या किडनी को डैमेज कर सकती है, किडनी को खराब कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशनशिप ऑफ फीटल हेड एंड लिम्स टू इट्स ट्रंक इज कॉल्ड। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब इस बच्चे के हेड, लिम्स यानी हाथ पांव और ट्रंक यानी चेस्ट वाला एरिया, इनके बीच में आपस में रिलेशनशिप किस टर्म द्वारा डिनोट किया जाता है? किसी फीटस के बॉडी पार्ट्स का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप किस टर्म द्वारा डिनोट किया जाता है ये आपको बताना है। लाइफ, प्रेजेंटेशन, एल्टीट्यूड, इसे यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसे एटीट्यूड कर दीजिएगा, और पोजीशन लाई कहलाता है, प्रेजेंटेशन कहलाता है, एटीट्यूड कहलाता है या पोजीशन कहलाता है। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के शरीर के अंगों का आपस में रिलेशनशिप एटीट्यूड के रूप में जाना जाता है।
लाई शब्द का उपयोग हम बच्चे की पोजीशन, बच्चे के लॉन्गेस्ट एक्शन का, मदर के लॉन्गेस्ट एक्शन के साथ रिलेशनशिप लाई कहलाता है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है वह पार्ट जो कि सर्विक्स की तरफ मौजूद है, और पोजीशन बताने के लिए हम अलग अलग टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे का हेड कहाँ है, हेड किस तरफ है, ऑक्सीपिटल वाला पार्ट किस तरफ है, दिस इज कॉल्ड पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्शन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज MgSO4, इसका क्या एक्शन होता है ये आपको बताना है। क्या ये CNS डिप्रेसेंट के रूप में काम करता है, एंटी कन्वल्सेंट के रूप में काम करता है, डाइट्री सप्लीमेंट है, मसल रिलैक्सेंट है, एंटी कन्वल्सेंट है, या फिर CNS स्टिमुलेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। मैग्नीशियम सल्फेट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करके, यानी इसकी एक्टिविटी को धीमा करके, पेशेंट में जो कन्वर्जेंस आ रहे थे, मिर्गी जैसे दौरे आ रहे थे, सीजर्स आ रहे थे, उस चीज को रोकने में मदद करता है। मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान, अगर किसी वुमेन को प्री एक्लेम्शिया कंडीशन है और ये वुमेन प्री एक्लेम्शिया से एक्लेम्शिया कंडीशन में कन्वर्ट ना हो जाए, इसे रोकने के लिए इसे यहाँ पर दिया जाता है। किसी प्री एक्लेम्शिया से सफरिंग वुमेन को MgSO4 दिया जाता है ताकि उसमें कन्वर्जेंस जैसी कंडीशन ना डेवलप हो, यानी कि वो एक्लेम्शिया में कन्वर्ट ना हो जाए, इस चीज़ से प्रिवेंशन हेतु। अगर किसी क्लाइंट में इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, ओवरडोज हो जाती है, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट को एज अ एंटीडोट हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ DVT इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस कंडीशन की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? द करेक्ट आंसर इज लोअर एक्सट्रीमिटीज। लोअर एक्सट्रीमिटीज में, यानी कि पैरों में, डीप वेन थ्रोम्बोसिस सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बसपिरॉन? बसपिरॉन क्या है? एंटी एपिलेप्टिक एजेंट है, CNS स्टिमुलेंट है, एनाल्जेसिक है, एंटी एंजाइटी एजेंट है। ऑप्शन डी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। बसपिरॉन इज अ एंटी एंजाइटी एजेंट। आप चाहें तो यहां नोट कर सकते हैं, हमारे ब्रेन में एक सीरोटोनिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर एजेंट पाया जाता है, जो कि हमें खुश रखने में हेल्प करता है। अगर मान लीजिए कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, तो हम उसे बसपिरॉन देते हैं। ये ड्रग इस सीरोटोनिन पर जाकर एक्ट दिखाती है, जिसकी वजह से क्लाइंट की जो एंजाइटी है वो कम हो जाती है। तो बसपिरॉन जो है, ये एक एंटी एंजाइटी एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाइंट हैज एन ऑर्डर फॉर फेरस सल्फेट लिक्विड। एक पेशेंट को फेरस सल्फेट लिक्विड लेने की सलाह दी गई है, तो इस मेडिसिन को आप किसके साथ एडमिनिस्टर करना चाहेंगे? मिल्क के साथ, मील के साथ, ऑरेंज जूस के साथ, या फिर अनडाइल्यूटेड मेथड में, मतलब इसे बिना किसी के साथ मिक्स किए ही एडमिनिस्टर करेंगे?
फेरस सल्फेट बेसिकली आयरन की डेफिशिएंसी को फिलअप करने के लिए दिया जाता है, और हमेशा इसे हम ऑरेंज जूस के साथ देने की सलाह देते हैं। क्लाइंट के जब भी हम आयरन दिया जाता है तो आयरन के एब्सॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए हम विटामिन सी इसके साथ में देते हैं। विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पूछा गया है। आपका जो ऑरेंज जूस होता है उसके अंदर विटामिन सी काफी मात्रा में पाया जाता है, तो इस वजह से हम इस फेरस सल्फेट लिक्विड को ऑरेंज जूस के साथ देना प्रीफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोथ बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन विद इन, किसी भी बच्चे का जन्म हुआ हो या किसी पर्सन की डेथ हुई हो, इन दोनों को कितने समय में रजिस्टर करवाना जरूरी होता है, इसकी सूचना सरकार को देना, सर्टिफिकेट बनाना जरूरी होता है। 1 मंथ, 1 ईयर, 45 डेज, 21 डेज। ऑप्शन डी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। बर्थ और डेथ दोनों का रजिस्ट्रेशन 21 दिनों के अंदर करवाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैप्टोप्रिल इज, कैप्टोपिल नाम की जो ड्रग है उसका क्या एक्शन होता है ये आपको बताना है। एंटीपायरेटिक है ये, डायूरेटिक है, एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटी साइकोटिक है। आपको प्रीवियस क्लासेस में हमने बताया है कि किसी भी मेडिसिन के पीछे अगर सुफिक्स के रूप में PIRL लगता है तो ये ACE इनहिबिटर ग्रुप की मेडिसिन होती है। जिस भी मेडिसिन के पीछे आपको PRIL लगा मिले तो इसका मतलब है ये ACE इनहिबिटर ग्रुप की मेडिसिन है, और इस ग्रुप की जो मेडिसिन है मोस्टली एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी रखती है। अगर किसी क्लाइंट के अंदर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से काफी ज्यादा है यानी हाइपरटेंसिव कंडीशन है, तो बीपी कम करने के लिए हम इस ग्रुप की मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं, कैप्टोप्रिल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन टू बी डन रूटीनली फॉर अ पेशेंट यूजिंग कार्बेमेजेपाइन, इनमें से कौन सी इन्वेस्टिगेशन कार्बेमेजेपाइन ड्रग ले रहे पेशेंट में हमें करवानी चाहिए, CBC, RFT, TFT या फिर SE? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, CBC। जो पेशेंट कार्बेमेजेपाइन ड्रग ले रहे होते हैं उनमें ब्लड डिस्कैरियसिस के कारण ब्लड काउंट कम हो सकता है, सो ब्लड काउंट शुड बी मॉनिटर्ड विद दिस ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट वन, प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है। अ न्यूबॉर्न बेबी वॉज बोर्न विथ एब्सेंस ऑफ लिम्स, इट इज टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन प्रेगनेंसी पीरियड में इन चारों में से कौन सी ड्रग ले ले जिसका उसके बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ जाए, यानी कि टेराटोजेनिक इफेक्ट हो जाए, और जन्म के बाद इस बच्चे के लिम्स नहीं हो, हाथ पांव नहीं हो, तो ये कंडीशन क्या किस ड्रग के कारण हो सकती है? किसी न्यूबॉर्न बेबी में अगर उसके लिम्ब नहीं है, हाथ पांव नहीं है, तो ये किस ड्रग के एडवर्स या टीरेटोजेनिक इफेक्ट के कारण हुआ है? टेट्रासाइक्लिन, थैलिडोमाइड, हिपेरिन या फिर अल्कोहल?
द राइट आंसर इज ऑप्शन बी थैलीडोमाइड। थैलीडोमाइड ड्रग के कारण ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि थैलीडोमाइड ड्रग किस काम आती है, तो थैलीडोमाइड ड्रग का इस्तेमाल मल्टीपल माइलोमा जैसी कंडीशंस के ट्रीटमेंट में, इसके अलावा लेप्रोसी के कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन को कभी भी थैलीडोमाइड ड्रग नहीं देने हैं, अदरवाइज ये ड्रग बच्चों के अंदर कॉम्प्लिकेशन करेगी, जिसकी वजह से उनके जो लिम्स हैं, उनके जो हाथ पांव हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा या फिर एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगा, पुअर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग इन्फेक्शन विच अमंग द फॉलोइंग वैल्यू विल बी एलिवेटेड। अगर किसी क्लाइंट को इन्फेक्शन हो जाता है तो इस केस में किसकी वैल्यू आपको बढ़ी हुई मिलेगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या ईएसआर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी। जब भी हमारे शरीर में इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए डब्ल्यूबीसीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इसलिए इन्फेक्शन के बाद सबसे पहले इनकी संख्या बढ़ती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक या एंटीसेप्टिक सर्जरी के पिता किन्हें कहा जाता है। जोसेफ, यस, लिस्टर। जोसेफ लिस्टर को हम फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के रूप में जानते हैं। जोसेफ लिस्टर, जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू आवर्स आफ्टर एडमिशन टू बर्न यूनिट with partial thickness burn of a trunk and head, which potential problem is least concern for the nurse during the emergent phase of burn injury? किसी patient को head और trunk area में partial thickness burn हुआ है, इस burn patient में burn की emergent phase में कौन सा option least कंसर्न रखता है, सबसे कम इम्पोर्टेंस रखता है, जिसके बारे में आपको सबसे कम ध्यान देना है। ऑप्शंस आर पेन, ल्यूकोपीनिया, लैरिंजियल एडिमा, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। The right answer is option 2, leukopenia. Leukopenia का मतलब होता है ल्यूकोसाइट की संख्या में कमी होना, यानी कि WBC की संख्या में कमी होना, जो कि बर्न की जो एमरजेंट फेज है उसमें देखने को नहीं मिलता। बर्न की एमरजेंट फेज के अंदर WBC काउंट कम नहीं होता, इसलिए हम इस ऑप्शन पर इस समय ध्यान नहीं देंगे। पेन यहाँ पर बर्न पेशेंट के अंदर कहा गया है कि पार्शियल थिकनेस लेवल का बर्न है, इस बर्न है, पार्शियल थिकनेस लेवल का बर्न है, तो इस प्रकार के बर्न में जो नर्व्स होती हैं उनकी जो एंडिंग्स हैं वो डैमेज नहीं होती, वर्किंग कंडीशन में होती हैं, तो क्लाइंट को काफ़ी पेन होता है, तो हमें बर्न इंजरी के बाद एमरजेंट फेज में पेन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। पेशेंट में हेड और ट्रंक एरिया के अंदर बर्न हुआ है तो हो सकता है उसके लैरिंग्स वाले एरिया में भी कुछ इन्हेलेशन गया होगा, गर्म भाप या एयर गई होगी, जिससे अंदर भी बर्न इंजरी हो सकती है, और लैरिंजियल पार्ट के अंदर टिश्यू डैमेज हो सकते हैं जिससे वहां पर एडिमा डेवलप हो जाएगी। अगर लैरिंजियल एरिया के अंदर एडिमा डेवलप हो जाती है तो इससे क्लाइंट के अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला एरिया है वो
इन्फ्लामेशन के कारण ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, जिससे क्लाइंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो लैरिंजियल एडिमा के बारे में भी हमें अवेयर रहना है ताकि क्लाइंट की जान बचाई जा सके। और बर्न पेशेंट के अंदर फ्लूइड शिफ्ट काफ़ी देखने को मिलता है, जिससे कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस भी होने लगता है। तो हमें बर्न पेशेंट में हमेशा फ्लूइड रिप्लेसमेंट पर ध्यान देना है शुरू से ही। सो ऑप्शन टू हैज़ अ लीस्ट कंसर्न और लीस्ट इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज अ प्रो ड्रग, इनमें से प्रो ड्रग कौन सी है ये आपको बताना है। क्लोरटेलिडॉन, पेनिसिलिन, लेवोडोपा, इंसुलिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लेवोडोपा। यहाँ पर लेवोडोपा, जो कि पार्किंसंस डिजीज में ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग है, प्रो ड्रग का एग्जाम्पल है। अब ये प्रो ड्रग होता क्या है? प्रो ड्रग बायोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, जो कि बॉडी में एंट्री लेने के बाद मेटाबोलाइज होते हैं और फिर ये ड्रग एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होती है। एक बार फिर से समझिएगा, आपको कोई ऐसी मेडिसिन खिलाई जाएगी जो कि वास्तव में इनएक्टिव है, लेकिन जब ये ड्रग हमारे स्टमक में पहुंचेगी, वहां से एब्जॉर्ब होगी, लीवर में मेटाबोलाइज होगी, तब मेटाबॉलिज्म के समय ये एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसे हम प्रो ड्रग के रूप में जानते हैं। बेसिकली ये ड्रग इसलिए बनाई जाती है ताकि किसी पर्टिकुलर मेडिसिनल सब्सटेंस की बायो अवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया जा सके। सो प्रो ड्रग इज अ सब्सटेंस दैट बेसिकली इंसर्टेड इन अ इनएक्टिव फॉर्म, बट आफ्टर मेटाबोलाइजेशन इट गेट एक्टिवेटेड एंड दिस इज मेड टू इम्प्रूव द एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। लेवोडोपा इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ प्रो ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकमेंडेड ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर स्टूल स्पेसिमेन सस्पेक्टेड कंटेन्स विब्रियो कॉलरे। रिकमेंडेड ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर स्टूल स्पेसिमेन सस्पेक्टेड कंटेन विब्रियो कॉलरे इज, आप किसी पेशेंट के स्टूल सैंपल को एक कंटेनर में लेकर जाना चाहते हैं जिसमें विब्रियो कॉलेरा हो सकता है, तो आप इसे किस मीडियम में डालकर ले जाएंगे। विब्रियो कॉलेरा हैजा कॉज करता है, जिसमें सीवियर वॉमिटिंग और डायरिया जैसी कंडीशन होती है। विब्रियो कॉलेरा खुद एक बैक्टीरिया है और स्टूल में इसकी प्रेजेंस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो अब इस विब्रियो कॉलेरा वाले सैंपल वाले स्टूल को आप किस मीडियम में ट्रांसपोर्ट करेंगे, यह आपको बताना है। आपके अपकमिंग जो SNO एग्जाम है उसके लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। द राइट आंसर इज बफर्ड ग्लिसरोल सेलाइन मीडियम। बफर्ड ग्लिसरोल सेलाइन मीडियम, दिस इज द रिकमेंडेड मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टिंग द स्टूल स्पेसिमेन सस्पेक्टेड ऑफ विब्रियो कॉलरे। बफर्ड ग्लिसरोल सेलाइन मीडियम, बफर्ड ग्लिसरोल सेलाइन मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लाइंट विथ पार्किंसंस डिजीज एक्सपीरियंसिंग एनोरेक्सिया एंड वॉमिटिंग सिंस बिगनिंग ऑफ लेवोडोपा, व्हाट विल बी द इनिशियल एक्टिविटी। एक पार्किंसंस डिजीज का पेशेंट है जिसे एनोरेक्सिया और वॉमिटिंग जैसी फाइंडिंग फेस करनी पड़ रही है, यानी कि उसे भूख नहीं लग रही है और बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही है। अब इस पेशेंट में पार्किंसन डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए लेवोडोपा नाम की ड्रग शुरू की गई है। अब हमें किस बात का ख्याल रखना होगा?
लेवोडोपा ड्रग देने के बाद क्लाइंट में हमें किस चीज का मॉनिटरिंग करना चाहिए क्लोजली, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, असेस हिज फूड प्रेफरेंसेस, इस पेशेंट द्वारा क्या खाना खाया जा रहा है इस चीज पर मॉनिटरिंग करेंगे। ऑप्शन बी, मॉनिटर हिज ब्लड प्रेशर, हम इसका ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे। होल्ड हिज मेडिकेशन, हम इस दवा को रोक देंगे। ऑप्शन डी, एडमिनिस्टर हिज मेडिकेशन विद फूड, इस लेवोडोपा ड्रग को खाने के साथ देंगे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मॉनिटर हिज ब्लड प्रेशर। जब हमारे शरीर में डोपामाइन की कमी होती है तो इससे पार्किंसंस डिजीज जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें क्लाइंट प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड मसल मूवमेंट नहीं कर पाता। इस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए हम उसे लेवोडोपा नाम की ड्रग देते हैं, जो कि इसकी बॉडी में डोपामाइन के लेवल को मेंटेन करने के लिए दी जाती है। लेवोडोपा ड्रग के साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इस ड्रग के साइड इफेक्ट के रूप में ब्लड प्रेशर का डिक्रीज होना देखने को मिलता है। यानी जिन पेशेंट्स को लेवोडोपा दिया जा रहा है उनमें जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से कम हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, और इस चीज के लिए हमें लगातार मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाईएस्ट बीएमआर इज फाउंड इन बॉयज बिकॉज देयर बॉडी कंटेन्स। बॉयज में बीएमआर तुलनात्मक रूप से ज्यादा होता है, किस वजह से? थायरोक्सिन की प्रेजेंस के कारण, एड्रिनलिन के कारण, टेस्टोस्टेरोन के कारण, एस्ट्रोजन के कारण। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन बॉयज हैव हाइयर बीएमआर अदर देन अदर्स। नेक्स्ट बेसिक बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑपियोइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो ऑपियोइड ग्रुप की ड्रग्स होती हैं जैसे मॉर्फिन, सल्फेट आदि, जो कि सीवियर या विसरल पेन को कंट्रोल करने में इस्तेमाल की जाती हैं, वो एग्जैक्टली किससे बनती हैं? इथायरो जाइलम कोका से, क्लेविकल्स परप्यूरा से, कैनाबिस सटाइवा से, या पेपेवर सोमनीफेरम से? ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पेपेवर सोमनीफेरम से ओपियोइड्स का निर्माण किया जाता है। पेपेवर सोमनीफेर प्रोड्यूस ओपियोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइंस ऑफ रीस्टोर्ड वेंटिलेशन एंड सर्कुलेशन आफ्टर सीपीआर इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से आपको सीपीआर परफॉर्म करने के बाद अगर वेंटिलेशन और सर्कुलेशन रीस्टोर हो जाता है, यानी कि क्लाइंट अब होश में आ जाता है, उसमें रेस्पिरेशन चलने लगता है, वेंटिलेशन होने लगता है, सर्कुलेशन होने लगता है, तो आपको कौन सी फाइंडिंग देखने को नहीं मिलेगी? सक्सेसफुल सीपीआर होने के बाद कौन सी फाइंडिंग देखने को नहीं मिलेगी, ये आपको बताना है। इम्प्रूव्ड कलर, रिटर्न ऑफ स्ट्रॉन्गर पल्स, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, रिटर्न ऑफ सिस्टमिक ब्लड प्रेशर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। जब भी हम क्लाइंट में सीपीआर करते हैं तो सीपीआर सक्सेसफुल होने से ब्लड सर्कुलेशन रिस्टोर्ड हो जाता है और क्लाइंट का जो स्किन कलर है वो इम्प्रूव हो जाता है। क्लाइंट में जो पल्स है वो स्ट्रांग हो जाती है, आने लगती है, और क्लाइंट का जो बीपी है वो भी बढ़ने लगता है, नॉर्मल होने लगता है। ये सभी फाइंडिंग्स हैं जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी सीपीआर के बाद। जबकि बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना इज नॉट रिलेटेड विद द सीपीआर, सो इट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। एट्रोपीन
सल्फेट पॉइजनिंग में एंटीडॉट कौन सा इस्तेमाल किया जाता है ये आपको बताना है। नैलॉक्सॉन, पेनिसिलेमाइन, वॉरफेरिन या फिर फाइसिस्टेग्माइन। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एट्रोपिन पॉइजनिंग होने पर फिसोस्टिग्माइन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडोस्कोप्स इज स्टरलाइज्ड बाय। एंडोस्कोप्स जो होते हैं उन्हें किस सब्सटेंस द्वारा, केमिकल द्वारा स्टरलाइज किया जाता है, साफ किया जाता है। नो ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। यस, आप लिख सकते हैं ग्लूटेरल डी हाइड द्वारा। 2% ग्लूटेरल डी हाइड के द्वारा हम एंडोस्कोप को स्टरलाइज कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्फेजिया मींस। डिस्फेजिया शब्द का क्या मीनिंग होता है ये आपको बताना है। एब्सेंस ऑफ स्वेलविंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन स्पीच, डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एब्सेंस ऑफ स्वेलविंग। अगर किसी क्लाइंट को खाने में, भोजन निगलने में दिक्कत होती है तो आप इसे डिस्फेजिया का नाम देते हैं। डिस्फेजिया मीन्स सिंपली एब्सेंस और डिफिकल्टी इन स्वेलविंग, खाने को निगलने में दिक्कत आना। इसके अलावा रिमेनिंग टर्म्स की यदि बात करें तो डिफिकल्टी इन स्पीच को हम डिस्फेसिया के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड डिस्फेसिया, डिफिकल्टी इन स्पीच। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हम बता चुके हैं पहले, डिस्पनिया होता है। डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट को ब्रेडिपनिया के नाम से जाना जाता है। और एक टर्म आप और नोट कर लीजिएगा, ओडाइनोफेजिया, ओडाइनोफेजिया। ओडाइनोफेजिया का मतलब होता है पेनफुल स्वेलविंग। पेनफुल स्वेलविंग यानी खाने को निगलते समय दर्द होना, पेन होना, ओडाइनोफेजिया टर्म द्वारा बताया जाता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एम्स नॉर्सेट एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। होपफुली आपको आज की ये क्लास और कंटेंट अच्छा लगा होगा। आज का कंटेंट आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉरनर्स प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।